नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के बीच अब नौकरी का सुनहरा मौका मिला है। बिहार सरकार जल्द ही कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2667 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें ही प्रखंड कृषि अधिकारी के 774 पद, सहायक निदेशक कोटि 1 वर्ग 2 के 89 पद का रोस्टर क्लियरेंस करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा भेज दी गई है। इसके साथ ही कृषि समन्वयक के 1470 पद, उद्यान सेवक के 247 पद और उद्यान लिपिक के 87 पदों का रोस्टर क्लियरेंस करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को कृषि विभाग द्वारा अनुशंसा भेजी गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ये घोषणा कर दी कि विभाग के नव नियुक्त 228 कृषि अधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम में किया गया है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि अनुशंसित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री की माने तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित अनुमंडल कृषि अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 228 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। नियुक्ति पत्र के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 13 से 25 अप्रैल तक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया था। अभी तक 164 अधिकारियों ने कृषि विभाग में योगदान दिया है। इन्हीं अधिकारियों के लिए अब 19 मई तक प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नव नियुक्त पदाधिकारियों को कृषि विभाग की तरफ से संचालित सभी योजना, जिसमें खासकर जैविक खेती, जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचाई योजना, भूमि संरक्षण एवं उद्यान से संबंधित विभिन्न योजनाएं, फसल अवशेष प्रबंधन आदि के साथ बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के वितरण और अधिनियम, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, कोषागार से संबंधित वित्तीय नियमावली, चिकित्सा प्रवर्तन सूचना का अधिकार अधिनियम आदि के साथ तनाव दबाव प्रबंधन और समय प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों को जीवन में अनुशासन और आमजनों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ दायित्व बोध की सलाह दी। वहीं कृषि सचिव ने अधिकारियों को जीवन में 3 मुख्य प्रबंधन पर काम करने का मंत्र भी दिया। पहला, ज्ञान जो आप पढ़कर आए हैं उसे अब आपको अपने काम क्षेत्र में किसानों के हित में उपयोग करना है। दूसरी बात प्रवीणता की है। कार्य क्षेत्र में अपने तकनीक और प्रशासनिक ज्ञान के बीच तालमेल कर योजनाओं का क्रियान्वयन करना। और तीसरी बात अभिवृत्ति यानी कि सकारात्मक सोच के साथ काम करना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी इस समय मौजूद थे। यानी कि अब जल्द ही आपके पास भी सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका होने वाला है। कृषि विभाग की तरफ से हालांकि अभी इन पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि कृषि मंत्री ने खुद ही नौकरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।